हेलो फ्रेंड्स, आज का तो टॉपिक पढ़ते ही आपके मुंह में कड़वाहट सी घुल गई होगी कि विजया ये कैसा टॉपिक लेकर आई है। पर फ्रेंड्स, इस कड़वाहट में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यू किसी भी दूसरी वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट से कम नहीं है। ये हरी हरी खुरदरी सरफेस वाली सब्जी औषधि गुणों से भरपूर है। करेला, जिसे इंग्लिश में बिटर गोर्ड भी कहते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन ए, बी, सी आदि बहुत पाया जाता है। इसमें फाइबर अधिक और कैलोरीज कम होती हैं। फ्रेंड्स, कुछ दिन बारिश होने के बाद बहुत तेज़ धूप निकलने लग गई है, जिसके कारण मेरे काफ़ी प्लांट्स ख़राब हो गए हैं। इससे करेले की भी हालत बुरी हो रही है। ये देखिए, ये 7 इंच के पॉट में हमने इसको लगाया था, ये नीचे से हमें लग रहा है कुछ सूख रही है। करेला जो है ये साल में 2 बार लग जाता है, पहला फरवरी के आसपास, दूसरा जुलाई में। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, आप इसको लगा सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर लगे ही लगे ये पक गई है। करेला जो है ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए एक रामबाण की तरह है। ये ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करता है। इसका जूस निकाल करके खाली पेट पीने से बहुत फ़ायदा होता है। करेला एक नेचुरल ब्लड प्योरीफायर है। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जिससे कि स्किन में होने वाले मुहासे, एक्जिमा, सीरियोसिस जैसी तकलीफ़ों को मुक्ति मिल जाती है। करेले के सेवन से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। कहते हैं जो रोज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में करेले खाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। एक स्टडी के अनुसार ये सब्जी शरीर में जो ट्यूमर की गांठें हो जाती हैं, उनको भी बढ़ने से रोकता है, कैंसर जैसे में भी फ़ायदा करता है। करेले के बीज वज़न कम करने में हेल्प करते हैं। इनके बीजों में जो तेल होता है, वो शरीर में मौजूद फैट सेल्स को कम करता है। जिनके इंटेस्टाइन में यानी कि आंतों में कीड़े रहते हैं, उनको भी करेले का जूस बहुत फ़ायदा करता है, उनसे कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन ए रतौंधी जैसे रोग, जिसमें कि पेशेंट को दिन ढलते ही बहुत कम दिखता है, फ़ायदा पहुंचाता है, तब करेले को काली मिर्च के साथ लेना चाहिए। दोस्तों, इस समय बादल भी बहुत तेज़ हो रहे हैं, पानी बरसा है, इसलिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी वीक हो रही है। करेले में मौजूद फाइबर कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। फ्रेंड, ये सब्जी जो है ऑलमोस्ट सारे साल ही मिलती है। अगर सब्जी से ऊब गए हों खाते खाते, तो अचार भी यूज़ कर सकते हैं बना करके। कई जगह करेले के पीसेस करके सुखा लिया जाता है, फिर जब मार्केट में नहीं मिलते हैं तब उसको यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन अति जो है वो हर चीज़ की बुरी होती है, इसलिए अपनी उम्र और स्वास्थ्य को देख करके इसका सेवन करें, ऐसा ना हो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाए। फिर मिलेंगे, गुड बाय फ्रेंड्स, बाय।